हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब के सब बढ़िया होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसी कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपके मोबाइल की रैम को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल में फ्री फायर, BGMI एंड अदर ऐप को यूज़ या गेम को यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल की रैम फुल हो जाती होगी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपकी रैम को काफ़ी हद तक बढ़ा दूंगा विद प्रूफ के साथ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कर लेना होगा अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन। देन उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करके सर्च कर लेना होगा स्वाइप नो रूट। तो मैं इधर टाइप कर दे रहा हूँ स्वाइप नो रूट। तो ये एप्लीकेशन रूट नॉन रूट दोनों डिवाइस के लिए है, तो मैं इसको लिख कर सर्च कर दे रहा हूँ। देन आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन आ रही है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हूं तो मैं इसको ऐप से डाउनलोड नहीं करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन आपको अर्न क्रेडिट्स वाले थर्ड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़े से क्रेडिट को अर्न कर लेना होगा, जो कि एक ऐड देखकर आप कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐड का लोडिंग होने लगेगा। तो मेरे सामने ये ऐड आ चुकी है, तो मैं इसको अभी ऐड को पूरा तो नहीं देखूंगा, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ सिंपल से। तो मैंने ऐड को स्किप कर दिया है। अब देखिए मेरे पास ऊपर दो लिखा आ चुका है, तो अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1000 MB, जो कि 1000 MB बराबर 1 GB होता है। तो आपको भी इसी तरह से टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्रिएट स्वाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका लोडिंग होने के बाद आपकी रैम क्रिएट हो जाएगी, जो आपकी स्टोरेज होगी वो आपकी रैम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर होने वाला है। तो भाइयों आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली डन हो गया है। तो आप देखिए मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ। देन मैं ऐप इन्फो में जाता हूँ क्लिक करके। देन इसके बाद मैं चले जाता हूँ स्टोरेज यूज़ में। आप देख सकते हैं इस ऐप का साइज़ 1 GB हो गया है, जो कि इसने स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आप किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हो। देन आपकी स्टोरेज है वो रैम की तरह यूज़ होने लगेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा ज़्यादा खाली रखना पड़ सकता है, तो आप ये कर लेना। बाकी आपको जब भी यूज़ करने के बाद रैम को हटाना हो तो आप वापस ऐप में चले जाइए। देन डिलीट स्वाइप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके रैम को हटा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देन यस पर क्लिक करोगे, एक ऐड आपके सामने शो होगा। तो इस ऐड को देख लेना है, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपकी रैम जो है डिलीट हो जाएगी। तो भाइयों मैं अब आपको ऐप इन्फो में ले जाके बता दे रहा हूँ इसका साइज़ कितना हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ 14 या 19 MB का हो गया है। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे।